कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली 20-20 गाड़ियों का सभी जिलों में एम्बुलेंस के तौर पर किया जाएगा उपयोग। प्रदेश की पुलिस लाइनों में स्थापित किए जाएंगे कोविड देखभाल केंद्र, संक्रमित पुलिस कर्मियों को दी जाएगी चिकित्सीय सहायता। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में लगेगी धारा 144, प्रदेश सरकार का फैसला। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा डीबीटी योजना के तहत अब तक प्रदेश के किसानों के खाते में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशि का किया गया भुगतान। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं में प्रयुक्त होने वाली 20-20 गाड़ियों को सभी जिलों में लगाया जाएगा ताकि उनका उपयोग एम्बुलेंस के तौर पर किया जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए ठोस कदम उठा रही है और केंद्र सरकार से भी ऑक्सीजन सप्लाई का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी बड़े उद्योगों को औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने के निर्देश दिए गए हैं और सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी से बचा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्तों को सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त बेड्स का प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा स्थानीय टीवी चैनल व केबल नेटवर्क पर कोविड प्रोटोकॉल व सावधानियों से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और बात भी कर रहे हैं कि हमें 270 मीट्रिक टन हमारी रिक्वायरमेंट है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अपने जिले में एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए कहा है। उसके लिए कोई बैंक्वेट हॉल है, कोई बड़ा होटल है, स्कूल है, धर्मशाला है, वहाँ पर सामाजिक संस्थाओं की भी मदद लेकर एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बन रही है प्रदेश में, आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब वो मेडिकल ऑक्सीजन बनाएंगे। हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में डटे अपने कर्मियों के लिए पुलिस लाइनों में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ये कोविड देखभाल केंद्र पुलिस लाइनों में स्थापित कल्याण केंद्रों एवं नवनिर्मित क्वार्टर में खोले जाएंगे। जब तक संक्रमित कर्मियों को कोविड अस्पताल में प्रवेश नहीं मिल जाता है, तब तक उन्हें इन केंद्रों के माध्यम से तत्काल चिकित्सीय राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सही ढंग से अनुपालन करें। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत जिले में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से रोहतक में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक ही बढ़ गए हैं और जिले में रात्रि कर्फ्यू पहले से ही लागू है, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी है। जो भी फैसिलिटीज, इंफ्रा या कोई इन्वेंट्री, वो सारी मैनेजमेंट बहुत ही माइक्रो लेवल पे चल रही है, निजी रूप से चल रही है। साथ में हम पब्लिक को भी समय समय पर आग्रह करते रहते हैं, आज फिर कर रहे हैं, पैनिक मत करें, अनावश्यक रूप से अस्पताल मत दौड़ें,
और कुछ भी यदि आपको लगता है आपके साथ कुछ है दिक्कत तो पहले डॉक्टर से टेलीफोन पर बात करें और डॉक्टर सारे लक्षण जान के जो एडवाइस दे वैसे कार्रवाई करें, सीमित संसाधनों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। इसके साथ साथ जो पहले आपने देखा एक नाइट कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगा हुआ है हमारे यहाँ 10 से 5 और शाम को 6 बजे बाज़ार बंद करने का, उसके एडिशन में हमने एक धारा 144 का एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी आज निकाला है कि 4 से अधिक लोग किसी भी एक जगह इकट्ठे ना हों और अनावश्यक तो बिल्कुल भी ना हो, और 4 से की अगर ज़्यादा कोई ऐसी नौबत है कि कोई कुछ न कुछ ऐसा अपरिहार्य हो गया कि होना पड़े तो उसके लिए स्पेशल परमिट उनको जिला प्रशासन से लेना होगा। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखा गया। इस बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,23,000 से अधिक मामले सामने आए और 2,51,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 28,82,000 है और मृत्यु दर घटकर 1.12% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में लगभग 14,53,00,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 79,466 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,52,515 हो गई है। रिकवरी रेट 80.88% और मृत्यु दर अब 0.88% हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 36,68,433 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आज कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण पर आयोजित एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ क्षेत्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और नारनौल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और नेहरू युवा केंद्र के छात्रों ने भाग लिया। वेबिनार में नूह के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बसंत दुबे ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रारंभिक निदान और उपचार महत्वपूर्ण घटक हैं। उन्होंने कोविड संक्रमण से अधिक संभावित क्षेत्रों जैसे अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि में दोहरे मास्क पहनने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महामारी के दौरान जनता की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा ई संजीवनी OPD, टेलीमेडिसिन परामर्श आदि जैसी विभिन्न पहलों के बारे में भी बात की। वेबिनार में चिकित्सकों ने कहा कि कोविड वैक्सीन का कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है और लोगों को टीकाकरण से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 को हराने का प्रमुख हथियार है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार किसानों की फसल का भुगतान देरी से होने पर ब्याज दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों के खातों में फसल का भुगतान समय पर करें। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, मंडियों में किसानों के लिए समुचित सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। प्रदेश की 396 मंडियों व खरीद केंद्रों पर विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक गेहूं की रिकॉर्ड 77,00,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। अब तक किसानों के खातों में करीब 6,500 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव मिल रहा है। किसानों के हित में सरकार द्वारा बनाई नई नीति के तहत गेहूं भुगतान राशि अब सीधे किसानों के बैंक खातों में आ रही है। जिला यमुना नगर के उपायुक्त ने कहा कि सभी अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। कुल मिलाकर अभी तक 3,06,000 MT प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और मेरा ये मानना है कि जो मेजोरिटी पार्ट था हमारा प्रोक्योरमेंट का पूरा हो चुका है। आने वाले शायद हम एस्टिमेट कर रहे हैं लगभग 50,000 MT के आसपास और आना चाहिए, तो उसी के मद्देनजर हमारी टोटल लिफ्टिंग 60% हो चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि मंडियों में किसानों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। मंडी की मूलभूत सभी सुविधाएं मंडी में दे रखी हैं। प्री गेट पर हेल्प डेस्क बनाया हुआ है और वो मार्केट करने के लिए आकर के अपनी समस्या बता सकता है और यहाँ उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है।
किसानों का कहना है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई उनकी फसल की भुगतान राशि उनके बैंक खातों में मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों का जीवन बिचौलियों के इर्द गिर्द घूमता था, परंतु अब उन्हें इनसे निजात मिल गई है और वे इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। आए थे जी, उतर भी गई जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी, समर्थन मूल्य ठीक मिल रहा जी, खातों में पैसे जा रहे हैं 1975 रुपए जी। न्यूनतम जो मूल्य था मिल गया है, मेरे खाते में पैसे आ गए हैं। मैं आज भी कभी यहाँ अच्छा कारोबार ठीक है और केंद्र सरकार ने भी मेरे खाते में पैसे भेज दिए, दोनों ही धन्यवाद खाते में आए हैं। व्यवस्था ठीक है जी, सरकार ठीक कर रही है, जिम्मेदार भी खुश है, उनकी पेमेंट उनके खाते में जा रही है। इसके बारे में पहले तो परेशानी थी, लोगों को दहशत थी, लेकिन अब तो टाइम से आ रही है पेमेंट उनके खाते में, जिम्मेदारों के डायरेक्ट पेमेंट उनके खाते में जा रही है। इस कानून से जिम्मेदारों को ये फायदा हुआ है, जैसे हमने फसल गिरी है मंडी में और मंडी से फसल गिर के किसी भी प्रकार का बीज का बिचौलिया जो है वो खत्म हो चुका है, पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं गेहूँ के। अभी मैंने गेहूँ गिरी थी 10 दिन पहले, अब परसों मेरे अकाउंट में पैसे आ गए गेहूँ के, तो हम इस कानून से बहुत खुश हैं। मतलब गेहूँ हम मंडी में गिर करके आए हैं अपनी, अभी 10 एक दिन हमने गेहूँ मंडी में गिरे हैं, तो बेनिफिट है जी, साथ के साथ हमारे 10 दिन के अंदर हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। हमने किसी से मतलब के किसी के लेनदार नहीं है, अड़ती के साथ हमारा लिंक तो है लेकिन वो नहीं है कि भाई हम उसके आगे पीछे घूमेंगे। अब हड़ती को हमारी जरूरत है जी, वो हमसे मतलब पैसे लेगा। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने लगे हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में कोविड टीकाकरण केंद्र पर लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे। सिविल सर्जन कृष्ण कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संबंधी सभी तैयारियाँ की गई हैं। क्योंकि मरीज हमारे पास जितने भी आते हैं वो लेट रिपोर्ट करते हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि भी अपने जैसे खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो जैसी हो तो सबसे पहले तुरंत टेस्ट कराएं ताकि समय रहते इलाज किया जा सके। हमारे पास 35 बेड हमने ऊपर थर्ड फ्लोर पर अलग रिजर्व किए हैं और हमने 7 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी कर दी गई यहाँ पे, और ऑक्सीजन के बारे में हमारे पास अभी तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। जिला परियोजना अधिकारी ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में जरूर भाग लें और कोविड-19 नियमों की पालना जरूर करें। मैं सभी से सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, चाहे आपके वैक्सीन की 2 डोजें लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि वैक्सीन लगने के बाद प्रतिरोधक क्षमता बनने में थोड़ा समय लगता है और वायरस उससे पहले अगर आपको अटैक कर जाता है तो आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, 2 गज की दूरी का पालन और हाथ दिन में कई बार आप अपने हाथ सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं, और अगर किसी को खांसी जुकाम है, किसी किस्म का कोई कोविड के संकेत नजर आते हैं तो अपना तुरंत टेस्ट करवा के अपने आप को क्वारंटीन कर लें। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी को वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेते हुए अपनी सुरक्षा के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए। पहली डोज लगवाई है, बिल्कुल ही इसमें तकलीफ नहीं होती, पेनलेस प्रोसीजर है और यहाँ पे बड़े स्मूथली इसको जो डिपार्टमेंट है वैक्सीनेशन सेंटर सिविल हॉस्पिटल में उसको सारे प्रोसेस को पूरा कर रहा है। बढ़िया ये कहीं इस तरह के जिन्हें हालात खराब हो रहे हैं उन्होंने वास्ते बहुत बढ़िया, जो ठीक ने तो उन्होंने वास्ते बढ़िया। हाँ जी, वैक्सीन लगवा ली बहुत अच्छी है, जिसने नहीं लगवाई वो भी लगवाओ, जिसने लगवा ली उनके लिए बहुत अच्छी है, सब लगवाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। सबको लगवानी चाहिए, जो 45 से ऊपर है सबको लगानी चाहिए, फायदा होगा, आगे होगा ही फायदा तो होगा ही। आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घर में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष क्वाथ जैसी आयुर्वेदिक औषधि लेने की सलाह दी गई है। ये 4 जड़ी बूटियों का सरल मिश्रण है। ये दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्यदल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं।
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 के दौरान प्रदेश से हज जाने के इच्छुक हाजियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य हज कमेटी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हज मंत्रालय सऊदी अरब सरकार ने सूचित किया है कि हज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए हज पर जाने से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हाजियों को वैक्सीन की पहली डोज सऊदी अरब जाने से पहले और दूसरी डोज सऊदी अरब जाने के समय लेनी होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के प्रमाण पत्र के बिना सऊदी अरब जाने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हज पर जाने के इच्छुक हाजी अपने संबंधित जिले के चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क करके कोरोना वैक्सीन की डोज लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन की डोज लेने में यदि कोई कठिनाई आए तो हज कमेटी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 0172-274-1438 एवं 9815489590 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली 20-20 गाड़ियों का सभी जिलों में एम्बुलेंस के तौर पर किया जाएगा उपयोग। प्रदेश की पुलिस लाइनों में स्थापित किए जाएंगे कोविड देखभाल केंद्र। संक्रमित पुलिस कर्मियों को दी जाएगी चिकित्सीय सहायता। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में लगेगी धारा 144। प्रदेश सरकार का फैसला। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा डीबीटी योजना के तहत अब तक प्रदेश के किसानों के खाते में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशि का किया गया भुगतान। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप ही हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।